हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं बहुत ही चटपटा ये नाश्ता है। आप लोग इसको व्रत में भी खा सकते हैं, ये हेल्दी नाश्ता है और इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और ये ऑयल फ्री नाश्ता है। तो आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आप लोगों का टाइम ना लेते हुए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बकला और इसका जो दाल है, तो इसको हमने भिगो करके 2 घंटा पहले ही रख दिया था और इसको मैंने अभी धुल भी लिया है अच्छे से। और धुलने के बाद इसको हम डाल देंगे मिक्सी जार में। तो इसको 2-3 पानी से ज़रूर धुल लेना चाहिए। अब इसके बाद हमने धुल लिया है तो इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जो कि हम हेल्दी नाश्ता बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा मसाले हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसमें हरा मिर्चा है और ये अदरक का टुकड़ा है, इसको मैंने छील लिया है और इसको स्लाइस की तरह से काट लेंगे। बीच में इस तरह से नहीं कटता है, स्लाइस में काटेंगे तो लंबे लंबे तो अच्छे से कट जाता है और मिक्सी जार में अच्छे से पिसा भी जाता है। अब इसके बाद हमने लिया हुआ है यह लवंग, 2 लवंग डाल देंगे और कूटी हुई छोटी इलायची है और साथ में काली मिर्च है और जीरा। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक, तो हमको व्रत में बनाना है तो इसको हम सेंधा नमक इसमें इस्तेमाल किए हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। अब आप लोग देख रहे हैं मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है। सभी एक ही बार सामान डाल देने से और उसको पीस लेने से कोई झंझट नहीं रहता है, फटाफट भी तैयार हो जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं हमने पीस लिया है और इसके दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप लोग देखिए मैंने इसको निकाल दिया है और अब ये लेंगे दूसरा बर्तन, जो आती है ना एक थाली आती है जिसमें छेद वाली होती है, देखिए बीच बीच में छेद है, तो ऐसे ही बर्तन लेंगे या जाली वाला कोई बर्तन हो तो भी ले सकते हैं। अब इसमें छोटे छोटे पीस में हम काट करके ये डाल देंगे, यानी इसमें हम रख देंगे। तो हमने रख दिया है, अब इसको हम चलते हैं रखेंगे गैस पे। तो हमने गैस पे पहले ही पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, तो पानी में उबाल आ चुका है तब इसको रखना चाहिए। अब हमने रख दिया, अब इसके बाद इसको ढक देंगे। अब ढक करके इसको कम से कम 15 मिनट छोड़ देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं, इसके बाद हम देख ले रहे हैं कि हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है कि नहीं। इसको बफौरी भी बोलते हैं। तो देखिए ये बन के एकदम रेडी हो गया है, क्योंकि देखिए निकल जा रहा है, चम्मच से हम निकाल रहे हैं तो चम्मच की सहायता से इसको निकालें, क्योंकि अभी गर्म है तो हाथ जलने का डर रहता है, तो इसी चम्मच देखिए हम निकाल रहे हैं तो निकल जा रहा है, यानी ये अभी अच्छे से पक गया है। अब इसको हम उतार देंगे, यानी अब गैस को हम बंद करके ये हैं। अब इसके बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, व्रत में भी खा सकते हैं या वैसे भी इसको खा सकते हैं। और साथ में देखिए हमने चटनी भी बना लिया है। तो देखिए जो चटनी है हमने ग्राइंडर में पीसा है और देखिए इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। इसमें मैंने धनिया की पत्ती इस्तेमाल नहीं किया है, आप लोग इसमें धनिया की पत्ती भी चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग जब मिक्सर ग्राइंडर में चटनी पीसते हैं तो उनका जो कलर होता है चेंज हो जाता है और बहुत ही बस एक झाग टाइप का निकल जाता है। तो जब चटनी आप लोग पीसें तो जैसे जो मिक्सर होता है उसको ऑफ और ऑन करके पीसेंगे तो चटनी का कलर बिल्कुल नहीं चेंज होगा, और जैसे चटनी सिलबट्टे पे पीसते हैं उसी तरह से उसका भी कलर आएगा और स्वाद भी उसी तरह इसका आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को जरूर रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अब तक हमारी वीडियो में आप लोग बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।